नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल पटेल। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों कैसे आप लोग? बढ़िया होंगे। हर बार की तरह आज का वीडियो भी एकदम इन्फॉर्मेटिव है। बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आया हूं। अपने चैनल की एक खासियत है कि जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसी के बारे में मैं हमेशा आपके साथ में डिटेल शेयर करता हूं, है ना। मैं एक्सपर्ट से बात करता हूँ, इंडस्ट्री में ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं एक्सपर्ट्स लोग, उनसे बात करता हूँ, उनसे पूछ के ही आपके साथ में डिटेल में शेयर करता हूँ दोस्तों। तो एक बढ़िया है इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लेकर के आता हूँ हमेशा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए आज ही, आपको बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके करियर के बारे में। तो आज का वीडियो है दोस्तों वो है पीएलएम के बारे में। वैसे तो पीएलएम के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, खास करके जो मैकेनिकल इंजीनियर्स है ना। कोई है मैकेनिकल इंजीनियर यहाँ पे? खास करके जो मैकेनिकल इंजीनियर्स है उनके लिए ये इन्फॉर्मेटिव है। मैकेनिकल इंजीनियर्स हो गए या कंप्यूटर इंजीनियर्स भी ये वीडियो देख सकते हैं, उनके लिए भी इन्फॉर्मेटिव है, बढ़िया। अभी क्या होता है कि अभी हम देखेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियर्स आपके, आप लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर जी हमको पीएलएम में करियर बनाना है, उसमें जॉब मिलेगी क्या नहीं। खास करके मैंने एक टीम सेंटर पे एक्चुअली 2-3 वीडियोस बनाए मैंने, है ना, टीम सेंटर पे। तो उसपे मुझे आपके मैसेजेस आते हैं कि खास करके सर हमें टीम सेंटर का कोर्स करना है, तो उसके बाद में हमको जॉब मिलेगी क्या नहीं, टीम सेंटर का करियर स्कोप कैसा है, कितना सैलरी मिलेगा। अपने टीम सेंटर के बारे में तो बता दिया, कोर्स करने के लिए तो मुझे बता दिया, लेकिन क्या करूं, मतलब करूं कि नहीं, आगे जॉब मिलेगी कि नहीं, है ना, फ्यूचर में ग्रोथ कैसी होगी, इस तरह के क्वेश्चंस मुझे आप इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हो दोस्तों, है ना। तो मतलब आप लोगों के भी अगर क्वेश्चंस हो गए तो आप मुझे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, मुझे फॉलो करिए मैथ मेरा पेज पे, और आपके मैसेजेस मुझे आप भेज सकते हो दोस्तों, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, है ना। तो ये क्वेश्चंस आपके मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो आज हम बात करेंगे अगर आपको टीम सेंटर पीएलएम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में अगर आपको करियर बनाना है, तो अगर आप चाहते हो उसमें आपको बढ़िया जॉब मिले, है ना, बढ़िया सैलरी मिले, तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है। तो मैं आप आगे बढ़ते हैं हम। तो अगर आपको टीम सेंटर कस्टमाइजेशन, है ना, मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताया कि टीम सेंटर कस्टमाइजेशन अभी फ्यूचर जो करियर अगर आपको बनाना है मार्केट में आगे जो चलने वाला है आगे दोस्तों वो है टीम सेंटर, है ना। पीएलएम का दोस्तों जमाना आने वाला है, मतलब आ गया आगे भी, और 10-20 साल आगे अच्छे से उसका स्कोप रहेगा। तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने पास आउट की है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग पास आउट की है तो आपके लिए ये बढ़िया, मतलब स्कोप, करियर स्कोप है, करियर चांस है आपके लिए, है ना। तो अभी स्पेसिफिक अगर हम बात करेंगे, अगर आप पीएलएम टीम सेंटर में जाना चाहते हो तो आपको एक्टिव वर्क स्पेस सीखना होगा दोस्तों। यस, एक्टिव वर्क स्पेस में ही आप अगर करियर चुनते हो तो आपको बढ़िया ग्रोथ मिलेगी टीम सेंटर में। वैसे तो मतलब अगर आप, आपको मैं पहले बता दूं कि अगर आपने वो मेरा पिछला वीडियो देखा नहीं होगा टीम सेंटर का, उसमें मैंने ऑलरेडी बताया कि टीम सेंटर के कितने सारे, मतलब क्या क्या फीचर्स है, है ना, टीम सेंटर के कितने पार्ट्स है, कितने वर्जन है। अगर आपने वीडियो देखना है तो वीडियो को देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। टीम सेंटर में एक्चुअली दो आप सीख सकते हो वर्जन, एक तो रिच क्लाइंट है और दूसरा है एक्टिव वर्क स्पेस। अभी क्या हो रहा है कि मार्केट में अभी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो रिच क्लाइंट जो है, रिच क्लाइंट को ओवर थोड़ा सा एब्सोल्यूट कर रही है, साइड में कर रही है। और अभी क्या हो रहा है कि सीमेंस ने टीम सेंटर का रिच क्लाइंट का जो है वो, मतलब अगला वर्जन जो है वो निकाला है, वो है एक्टिव वर्क स्पेस दोस्तों। अगर आप टीम सेंटर सीखते हो और उसमें सिर्फ अगर रिच क्लाइंट सीखते हो तो आपको भैया मार्केट में ग्रोथ नहीं मिलेगी, ग्रो नहीं कर पाओगे, आपको एक्टिव वर्क स्पेस सीखना पड़ेगा दोस्तों। एक्टिव वर्क स्पेस मैं आपको बता दूंगा कि एक्टिव वर्क स्पेस एक्चुअली क्या है, है ना। तो ये हम, आपने सुना होगा कि रोबोट 2.0, इस तरह से इंडस्ट्री 4.0, ये है एक्टिव वर्क स्पेस, है ना। अभी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, सीमेंस अभी धीरे धीरे ना रिच क्लाइंट बंद कर देगा, है ना, जो टीम सेंटर का रिच क्लाइंट का जो वर्जन है वो बंद कर देगा और एक्टिव वर्क स्पेस अभी वो आगे भेज रहा है, मतलब एक्टिव वर्क स्पेस ही चलेगा। अगर आप देखोगे मार्केट में वैकेंसीज, अगर देखोगे आप गूगल पे सर्च करिए एक्टिव वर्क स्पेस वैकेंसीज, तो वहां पे मतलब टीम सेंटर एक्टिव रिच क्लाइंट माइग्रेशन टू एक्टिव वर्कस्पेस, इस तरह की वैकेंसी होती है, डाटा माइग्रेशन, है ना। मतलब इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, रिच क्लाइंट का जो डाटा है वो माइग्रेट कर रही है एक्टिव वर्कस्पेस पे। तो डाटा माइग्रेशन की बहुत सारी वैकेंसीज है, आप देखो सर्च करके, है ना, गूगल पे। तो उसमें खास करके मैकेनिकल इंजीनियर्स और कंप्यूटर इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों डाटा माइग्रेशन में, टीम सेंटर पीएलएम डाटा माइग्रेशन, तो उसमें आपको एक्टिव वर्कस्पेस आना चाहिए। तो अभी हम बात करेंगे कि एक्चुअली एक्टिव वर्कस्पेस अगर आपको सीखना है, उसमें भी एक्टिव वर्कस्पेस मतलब वर्किंग नहीं, आपको कस्टमाइजेशन सीखना होगा, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव वर्कस्पेस अगर आप सीखते हो तो वही आपके लिए बेनिफिशियल है। अभी डेवलपमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें भी एक्चुअली आपको दो फंडामेंटल सीखने पड़ेंगे। अगर आपको एक्टिव वर्कस्पेस डेवलप करना सीखना है तो आपको एक तो सोहा कस्टमाइजेशन सीखना पड़ेगा, SOA, है ना, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, आपको नीचे दिख रहा होगा सोहा कस्टमाइजेशन। और दूसरा जो है आपको एंगुलर रिएक्ट जेएस आपको सीखना होगा,
अभी ये सोवा क्या है हम थोड़ा सा बात करेंगे। इट इज द मेथड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मेथड है वो आपको सिखाएंगे। जब आप पीएलएम टीम सेंटर सीखना स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको समझेगा कि सोवा कस्टमाइजेशन आपको सीखना बहुत जरूरी है। सोवा कस्टमाइजेशन क्या होता है, किस तरह के फीचर्स है, किस तरह की लैंग्वेजेस उसमें यूज होती है, किस तरह की कंपोनेंट्स उसमें होते हैं, अभी ये पूरा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, है ना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो सोवा कस्टमाइजेशन आप नोट कर लिए, सोवा कस्टमाइजेशन आपको सीखना है। दूसरा जो है एंगुलर रिएक्ट, एंगुलर जो है वो फ्रेमवर्क है ना, डेवलप बाय गूगल, गूगल ने डेवलप किया है फ्रेमवर्क। और जो रिएक्ट जैसे वो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी एक्चुअली। तो आपको एक ध्यान में आ गया रहेगा कि अगर आपको एक्टिव वर्कस्पेस कस्टमाइजेशन सीखना है तो आपको सोवा कस्टमाइजेशन सीखना पड़ेगा। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है उसकी बात करेंगे हम अभी। इसमें भी एक्चुअली दो टाइप होते हैं, एक्टिव वर्कस्पेस अगर आपको सीखना है तो उसमें क्लाइंट कस्टमाइजेशन और सर्वर कस्टमाइजेशन, इस तरह के दो फंडामेंटल्स आपको सीखना होगा। ये आपको दो कस्टमाइज करता आना चाहिए, है ना, क्लाइंट कस्टमाइजेशन और सर्वर साइड कस्टमाइजेशन। अभी सर्वर साइड कस्टमाइजेशन में जो है उसमें आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी, तो वो कौन कौन सी है, C++ है और जावा है ना। अगर आप C++ आपको अच्छे से आता है, C++ और जावा आपको अच्छे से आता है, जावा लैंग्वेज और सोवा कस्टमाइज, सोवा सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, ये तीन फंडामेंटल अगर आपके अच्छे से आप उसमें ट्रेन हो तो आप सर्वर साइड कस्टमाइजेशन कर सकते हो इसमें, एक्टिव वर्कस्पेस में, है ना, टीम सेंटर एक्टिव वर्कस्पेस में। और दूसरा जो है क्लाइंट साइड कस्टमाइजेशन, इसमें आपको एंगुलर और रिएक्ट जेएस आपको सीखना पड़ेगा, फ्रेमवर्क जो डेवलप बाय गूगल मैंने बताया, है ना, और जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी जो है रिएक्ट, तो ये आपको आना चाहिए। मतलब आपको दोनों आप अगर आप सीख लेते हो, सर्वर साइड कस्टमाइजेशन और क्लाइंट साइड कस्टमाइजेशन, अगर आप दोनों सीखते हो तो भैया आप मास्टर हो एक्टिव वर्कस्पेस में। और मैं बता दूं एक्टिव वर्कस्पेस डेवलपर, एक्टिव वर्कस्पेस कस्टमाइजेशन की इतनी सारी रिक्वायरमेंट है मार्केट में, मतलब बहुत, अभी आने वाला फ्यूचर जो है वो इसी में है। पीएलएम टीम सेंटर में मैं हमेशा बताता हूं, पीएलएम टीम सेंटर में करियर बनाएंगे अपना, खास करके मैकेनिकल इंजीनियर्स को अभी तो मार्केट में मतलब थोड़ा सा मुश्किल है जॉब मिलना। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर रिसेंट पास आउट होते हो और आप तुरंत जॉब ढूंढने निकलते हो तो आपको अच्छे से जॉब नहीं मिलती है दोस्तों, है ना। अगर आपके पास में स्किल नहीं है तो आपको जॉब ढूंढने में बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, खास करके अभी कंप्यूटर वालों का क्या है, कुछ भी कोर्स करके उनको जॉब मिल जाती है, है ना, 1-2 लाख की पर ईयर की सैलरी मिल जाती है और जॉब मिल जाती है। मैकेनिकल इंजीनियर्स का वैसा नहीं है, स्किल के आधार पे ही उनको जॉब मिलेगी। तो ये पीएलएम टीम सेंटर इज द बेस्ट ऑप्शन और उसमें एक्टिव वर्कस्पेस आपको सीखना है। मैं अभी बता रहा हूं, अगर आप टीम सेंटर के लिए कोर्स लगाते हो कहीं पे तो उनसे स्पेसिफिकली बात कीजिए कि हमको एक्टिव वर्कस्पेस डेवलपमेंट सीखना है, बाकी कुछ नहीं, एक्टिव वर्कस्पेस डेवलपमेंट आपको करना है। उसमें अभी रिच क्लाइंट भी है, एक्टिव वर्कस्पेस भी है, उसका न्यूएस्ट वर्जन जो है सीमेंस ने जो डेवलप किया है न्यूएस्ट वर्जन। अभी एक्चुअली इसमें एक फंडामेंटल है कि अगर आपको एक्टिव वर्कस्पेस सीखना है तो उसके लिए रिच क्लाइंट भी थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए। तो मतलब ऑब्वियसली अभी जिसके पास में आप कोर्स लगाओगे, है ना, मैंने ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियोस में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताया कहां कहां पे पीएलएम टीम सेंटर के कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं, तो वो ऑलरेडी आपको रिच क्लाइंट भी सिखाएंगे, लेकिन मैक्सिमम आपको सीखना है एक्टिव वर्कस्पेस। मतलब रिच क्लाइंट का थोड़ा सा पोर्शन होगा और एक्टिव वर्कस्पेस का जो है वो आगे आपको उसका कस्टमाइजेशन पूरा सिखा जाएगा, है ना। स्पेसिफिकली आप एक्टिव वर्कस्पेस सीख सकते हो, तो दैट इज दी मतलब आपको ये पॉइंट नोट कर लेना है कि कहीं पे भी अगर आप कोर्स लगाते हो तो एक्टिव वर्कस्पेस का लगाओ, है ना। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है दोस्तों, और उसमें भी आपको सर्वर साइड कस्टमाइजेशन और क्लाइंट साइड कस्टमाइजेशन ये सीखना है दोस्तों। तो अभी क्या है, आप बोलोगे कि सर ये मतलब क्या है, एक्टिव वर्कस्पेस इतना डिमांड में क्यों आ रहा है, मार्केट में क्यों इतना डिमांड है ना, रिच क्लाइंट का क्यों नहीं है, एक्टिव वर्कस्पेस क्यों सीखना है। तो अभी एक पहली बात, एक्टिव वर्कस्पेस जो है वो वेब बेस्ड क्लाइंट है, मतलब उसको सेपरेट इंस्टॉलेशन नहीं चाहिए। जिस तरह से हम अलग अलग सॉफ्टवेयर, अभी मैकेनिकल के जो सॉफ्टवेयर है, सॉलिड वर्क हो गया या सॉलिड एज या कटिया, जो भी 3D सॉफ्टवेयर है, या ऑटोकैड हो गया, जो भी सॉफ्टवेयर है, हमको क्या करना पड़ता है, उसका सेटअप चाहिए, उसको इंस्टॉलेशन करेंगे, डेस्कटॉप पे इंस्टॉलेशन करेंगे अपने सिस्टम पे, उसके बाद में उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन एक्टिव वर्कस्पेस का वैसा नहीं है दोस्तों, एक्टिव वर्कस्पेस इट इज वेब बेस्ड क्लाइंट, मतलब आप कहीं भी यूज कर सकते हो, अपने मोबाइल पे यूज कर सकते हो, टैब पे यूज कर सकते हो, लैपटॉप पे यूज कर सकते हो, बस वहां पे लिंक डालनी है, आपको लॉगिन करना है, बस हो गया। जिस तरह से हम गूगल में डालते हैं, कोई भी साइट आपको सर्च करनी है तो वहां पे हम डालते हैं ऊपर ना www, उस तरह से, इस तरह से यह एक्टिव वर्कस्पेस है। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको लॉगिन चाहिए, तो ये लॉगिन करके आप एक्टिव वर्कस्पेस यूज कर सकते हो, मोबाइल पे यूज कर सकते हो, टैब पे यूज कर सकते हो, मतलब यूजर फ्रेंडली है ना, यूजर फ्रेंडली, और कहीं भी आप यूज कर सकते हो। और ये ऑब्वियसली मैंने बताया कि इंडस्ट्री 4.0 है, मतलब आगे अभी इंडस्ट्री इसी में ग्रो करने वाली है दोस्तों, और रिक्वायरमेंट भी इसी की होगी मार्केट में। मतलब टीम सेंटर में जा रहे हो तो भैया एक्टिव वर्कस्पेस आपको आता है कि नहीं, ये आपको सवाल पूछेंगे। पहले आप टीम सेंटर के इंटरव्यू दीजिए, आपको पहला सवाल यही होगा कि एक्टिव वर्कस्पेस आपको आता है कि नहीं,
क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट होती है कि आप रिच क्लाइंट से पूरा डेटा माइग्रेट करके एक्टिव एक्सप्रेस में लेके जाने का है ना, ये रिक्वायरमेंट है। मतलब एक्टिव एक्सप्रेस आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे नहीं सर मुझे एक्टिव एक्सप्रेस नहीं आता, मुझे तो रिच क्लाइंट ही आता है, पुराने वर्जन पे मैं काम कर सकता हूँ, वो बोलेंगे जाओ भाई आपका रिक्वायरमेंट नहीं है इस कंपनी में। तो आपको अगर एक्टिव एक्सप्रेस नहीं आता है तो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जॉब नहीं मिलेगी आपको। मैं बता रहा हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ आपको, है ना। तो एक्टिव एक्सप्रेस आपको सीखना पड़ेगा। और दूसरा जो है इसमें अभी क्या है कि इसमें AI असिस्टेंस भी आ रहा है एक्टिव वर्कस्पेस में धीरे धीरे। अभी तो पता है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से ग्रो कर रहा है, सारी इंडस्ट्रीज जो है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे ही आगे बढ़ने वाली है दोस्तों। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्टिव वर्कस्पेस में आ रहा है धीरे धीरे। ये अगर आप एक्टिव वर्कस्पेस सीख लेते हो तो आपको AI में जाने का भी इसमें मौका है। एक्टिव वर्कस्पेस सीखने के फायदे, एक तो वेब बेस्ड क्लाइंट है, इजी है, यूजर फ्रेंडली है, इसीलिए कंपनीज यूज कर रही है। मतलब यूजर फ्रेंडली होने के कारण क्या होता है कि इसमें अलग अलग फीचर्स लोगों को मिलते हैं, ज्यादा जो रिच क्लाइंट में फीचर्स नहीं थे वो एक्टिव वर्कस्पेस से मिल रहे हैं। और CAD इंटीग्रेशन इजीली होता है इसमें, CAD इंटीग्रेशन मतलब CAD सॉफ्टवेयर को कंबाइन किया जाए PLM के साथ में, तो ये भी इजीली हो सकता है। NX सॉलिड वर्क सॉलिड एज इसका इंटीग्रेशन हम एक्टिव वर्कस्पेस के साथ में कर सकते हैं इजीली। तो ये है एक्चुअली। और आपको मैंने बता दिया कि इसमें एक्चुअली कौन कौन से आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने हैं, एक तो C++ सीखना है, जावा सीखना है आपको, एंगुलर रिएक्ट सीखना है, और सोआ कस्टमाइज सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर आपको इसमें सीखना पड़ेगा, है ना। ये फैक्टर्स है। अभी हम बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है ना, PLM टीम सेंटर। तो ऑलरेडी वीडियोज बनाए टीम सेंटर के बारे में, वो बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेटिव वीडियोज है दोस्तों। अगर आपने देखी नहीं, अगर आपको पता नहीं है टीम सेंटर क्या है तो पहले वो वीडियो देखिए, फिर बाद में आप ये वीडियो देख सकते हो। तो मतलब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, एरोस्पेस इंडस्ट्री, मैकेनिकल इंडस्ट्री, सारे इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है वहां पे भी यूज हो रहा है दोस्तों PLM, है ना। अभी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट जो है अभी बहुत मतलब बहुत धीरे धीरे जो है कंपनीज PLM का यूज करने जा रही है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज में उसकी रिक्वायरमेंट है। और पैकेज कितना मिलेगा सर, बोलेगा यार सीख लिया हमने, पैकेज कहाँ मिलेगा, कितना मिलेगा, है ना। पैसा तो जरूरी है ना, पैसे के लिए हम सीखते हैं। तो मतलब पैकेज इज लाइक, अगर आप फ्रेशर हो, रिसेंट पास आउट, अगर आपने PLM सीखा है अच्छे से, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का आपको नॉलेज है, आपने सीखा है, कोर्स किया। देखो ये PLM का जो है नॉलेज आपको YouTube पे नहीं मिलेगा दोस्तों, फ्री में नॉलेज नहीं मिलेगा। एक बेसिक आपको मिल सकता है, बेसिक आप सीख सकते हो, लेकिन आपको डिटेल में सीखना पड़ेगा, है ना। अगर आप डिटेल में सीखोगे तभी आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो और वहां पे आपको जॉब मिलेगी। तो अगर आपको PLM सीखना है तो प्रॉपर कोर्स लगाइए, और कोर्स की इंस्टीट्यूट मैंने बता दिया, एक तो PLM गुरु है, बाद में फेथ PLM है, एक्सपर्ट PLM है, है ना। और अभी PLM गुरु का जो है उसमें वो सर जो है प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाया। अगर आपने देखा नहीं है PLM गुरु का, वीडियोस देखिए, है ना, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और दूसरा है फेथ PLM, दैट इज ऑल्सो गुड इंस्टीट्यूट, फिर एक्सपर्ट PLM, दैट इज ऑल्सो गुड इंस्टीट्यूट। फिर अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो उनको पहले प्लेसमेंट के बारे में पूछिए कि भैया 1-2 लाख फीस दे रहे हैं हम, है ना, क्योंकि फीस बहुत बढ़िया होती है, बड़ी बड़ी फीस होती है। तो अगर आप इतनी फीस दे रहे हो तो प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं, खास करके जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको तकलीफ होती है दोस्तों। अगर आप फीस दे दोगे 1 लाख रुपए और आपको प्लेसमेंट नहीं हो तो क्या फायदा। तो दैट इज वन ऑफ द पॉइंट। अगर आप जाते हो किसी इंस्टीट्यूट में तो पहले पूछिए भाई प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं, लिख के दे दो प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं, नहीं तो नहीं ज्वाइन करना, है ना। फिर सीख के नहीं तो फिर घर पे बैठो, ये नहीं चलेगा। तो लेकिन ये एक बात है कि अगर आप एक्टिव वर्क्स पर अच्छे से सीखते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको जॉब मिल जाएगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको आती है। तो ये एक पॉइंट है, और इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने बता दिया। तो इस तरह से आप इसमें सीख सकते हो दोस्तों, है ना। एक्टिव वर्कस्पेस इज लाइक यू नो, अभी फ्यूचर में जो कंपनीज ग्रो करने वाली है वो एक्टिव वर्कस्पेस में ही है। रिच क्लाइंट में बोल रहा हूँ कि रिच क्लाइंट अभी धीरे धीरे बंद हो जाएगा या बंद हो गया होगा, क्योंकि कंपनीज अभी रिच क्लाइंट से स्विच कर रही है एक्टिव वर्कस्पेस में, है ना। उनका डेटा जो है वो स्विच कर रही है रिच क्लाइंट से एक्टिव वर्कस्पेस में। दैट इज टीम सेंटर वर्जन, निवेश वर्जन ऑफ टीम सेंटर, निवेश वर्जन ऑफ PLM जो सीमेंस ने डेवलप किया हुआ है। तो मतलब यही बेनिफिट है, अगर आप एक्टिव वर्कस्पेस सीखते हो, रिक्वायरमेंट बहुत है मार्केट में, आप बिंदास उसका कोर्स करिए, सीखिए अच्छे से, नॉलेज लीजिए, है ना। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास में स्किल नहीं है दोस्तों तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। हर एक बंदे को चाहिए होता है कि भैया मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर बन गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, ENTC इंजीनियरिंग की, लेकिन इसके बाद में जॉब नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा। तो अगर आप ये स्किल सीखते हो तो मिलेगा भाई, है ना। कंपनीज की रिक्वायरमेंट अगर आप जान लोगे कि कंपनी में एक्चुअली क्या रिक्वायर्ड है, अगर आप वही सीखते हो तो ही आपको जॉब मिलेगी, है ना। ऐसे नहीं कोई अंधाधुन जॉब आपको मिलने वाली नहीं है। तो दैट इज वन ऑफ द पॉइंट। तो अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, है ना। आपको अगर लग रहा है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है हमको, है ना, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों आपके सपोर्ट की जरूरत है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो ही आपके लिए मैं बड़े बड़े इन्फॉर्मेशन लेकर के आऊंगा। क्योंकि मैं हमेशा इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट जो है मार्केट में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं बड़े बड़े पोजिशन पे, उनसे मैं बात करता हूँ।
पूछता हूँ कि भैया क्या है मार्केट में रिक्वायरमेंट, नया क्या आया, नई टेक्नोलॉजी क्या है, क्या मैं स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर सकता हूँ, तो उनसे मैं इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए, आपके कमेंट आने चाहिए दोस्तों। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, मैथ में लग के पेज पे मैसेजेस करिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक बाय बाय।